सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और सेफ होंगे COVID-19 से। मैं भी काफ़ी सही हूँ। एंड आज सुबह के 7 बज चुके हैं एंड अब हो रही है हमारी राइड की शुरुआत, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रखा है, कीचड़ कीचड़ कीचड़, और बारिश ने काम ख़राब कर दिया था और अभी तो और काम ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि हमें करनी है रानी की राइड और रानी में अगर लगा नहीं हुआ पीछे एंड राइड जैसे तैसी होगी। सो हियर इज़ अ रानी एंड पहले इसको खोलते हैं। एक तो इसको देते हैं एक स्टार्ट, थोड़ी सी गर्म हो गई है। कवर देना हमें गार्ड भैया को एंड अपना फ्यूल फुल है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पहनने अभी ग्लव्स, सो ये रहे मेरे ग्लव्स। एंड अभी सामने मुझे दिख रहे जैसे कि एक पेड़ गिरा पड़ा है। ओ तेरी ये आई थिंक हवा की वजह से हुआ होगा। आज तो मतलब भाई सारे ही लेट चल रहे हैं। हमें पहुंचना है दिल्ली कैंट अराउंड 7:15 तक और अभी 7 बज चुके हैं। मुझे 15 मिनट में मुश्किल है पहुंचना, बट ट्राई पूरा होगा, कोशिश पूरी होगी। कोशिश के हम पूरे नंबर लेंगे। और पहले करता हूँ मैं इसका हैज़र्ड ऑन, इसका हैज़र्ड हो चुका है ऑन एंड मेरा सामान पूरा है मेरे पे एंड लेट्स गो। अब चलते हैं, जरा निकलते हैं एंड मैं एक बार वाइज़र नीचे कर लूँ एंड जरा मुझे GoPro एडजस्ट करना पड़ेगा वाइज़र नीचे करने के लिए। मेरा वाइज़र हो चुका है नीचे। जल्दी दो, रख लो आगे ले लूंगा। तो एक ऑपरचुनिटी हो रही है, ऊपर से मैं बोल रहा हूँ मुझे बोलना पड़ेगा। एंड जो ये कहने वाले कि मुझे क्या हो गया एकदम से इतना क्यों, भाई बारिश आ रही थी, सुबह से उठा हूँ 4:30 बजे का और 4:30 बजे उठने के बाद तो इसलिए थोड़ा अभी सुस्ती सी है। मैंने ब्रश भी नहीं करा, मैं भूल गया, क्योंकि अभी जैसे ही बारिश रुकी हमारे दिमाग में आया कि चलो निकलते हैं अब जल्दी से, क्योंकि राइड करनी है, अगर निकले नहीं तो राइड नहीं हो पाएगी। तो वही था, इसलिए दिमाग में यही चल रहा था कि निकले नहीं तो राइड नहीं हो पाएगी, अभी पहुंचना है टाइमली, तो चलो। तो अभी हम हैं दिल्ली कैंट मेट्रो के नीचे और हम वेट कर रहे हैं दूसरे राइडर्स का एंड एज यूजुअल हम यहाँ खड़े हैं और ट्रैफिक का नज़ारा ले रहे हैं। क्या राजन कह रहे 10 मिनट में आ रहा था। पहुंच चुके हैं दोस्तों शिव मूर्ति एंड अपनी स्पीड जो है 40 के आसपास है, बस ऑलमोस्ट जहां हमारा मीटअप होता है वहां पहुंचने वाले हैं। जैसे ही पहुंचेंगे मिलते हैं कौन कौन राइडर्स अपने साथ अवेलेबल हैं आज, कितने नहीं, जब क्योंकि किसी को पता थोड़ी था बारिश हो जाएगी। अंदाज़ा तो यही था कि 25 राइडर आराम से आएंगे, जब बारिश ने काम खराब ही कर दिया पूरा का पूरा। आप देखो कितने राइडर आते, 12-15 तो लगता है। और इस बार मैं ड्रोन लाना भूल गया। ये शिवपुरी एंड ये रहा हमारा मीटअप पॉइंट रिश्ता कैफे के पास, बस पहुंच गए उसके आसपास ही हैं हम अभी। और एयर ब्लास्ट में भी आ रहा हो क्योंकि मैंने वाइज़र ओपन कर रखा है अभी। ओके भाई 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 ध्यान से नहीं बाइक का काम हो जाता। साला
बढ़िया भाई, क्या हाल है भाई के? एंड भाई सबकी बाइकों की लगी पड़ी है और हमारी की स्पेशली। तो आज के लाइनअप की बात करी जाए तो R15 का लाइनअप है पूरा। ये हमारी रानी जो पूरी गंदी हो चुकी है, देख सकते हो R15 V3 R15, भाई पूरा R15 V3 का लाइनअप है यहाँ पे। और सामने हमारा रोशन स्पेशल गेस्ट आज का, भक्त साले और मिलवाते हैं दूसरे लोगों से। क्या हाल है भाई? हेलो भाई, आप दिखते हैं गवर्नमेंट। क्या हाल है भाई? क्या हाल है ब्रो? यो ये बिक गई गवर्नमेंट वाला, बिक गई गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कुछ नहीं, निकल यहाँ से। क्या हाल है ब्रो? ये हमारे साहब जिन्होंने पिछले हफ्ते अच्छी जगह लेके गए थे, जो रोशन भाई। हाँ भाई, क्या हाल चाल? अरे वो टी शर्ट की ली नहीं तूने? अरे ये कहाँ चला, ये कहाँ चला, ये कहाँ चला? वॉल ग्रुप की टी शर्ट लाता हूँ। बढ़िया बढ़िया, देख इधर देख। ओए दिशु, ये देख वॉल ग्रुप वाली टी शर्ट है, तो खोले नहीं। ये देख, ये ले रहा है। वाह भाई वाह। तो चलो मिलते हैं राइड पे। मिस्त्री के थ्रू जाएंगे टनल के नीचे से, गोल्फ कोर्स रोड फेस 5 से लेफ्ट है, ठीक है? तो हे वी आर रेडी टू गो एंड हमने डाला फर्स्ट गियर और ये सारे राइडर हो चुके हैं रेडी। मुझे शायद ऊपर करना पड़ेगा मेरा वाइजर, क्योंकि प्रॉब्लम अभी ये है कि बारिश के चक्कर में बोल रहा हूँ तो उसमें दिक्कत हो रही है। एंड ये पूरा लाइनअप रेडी है। पहुंचे थ्रॉटल श्रॉटल एंड यहाँ थोड़ा कीचड़ चीचड़ है, थोड़ा ध्यान से बचिए। एंड काफ़ी बाइकर्स कम आए हुए हैं आज, तो इतने बाइकर्स नहीं हैं, बट स्टिल वी आर हेयर। एंड अभी सारे बाइकर्स लगा रहे हैं इधर। क्या डोर नहीं खुलेगा? खुल जाएगा यार, थोड़ा इधर कर लो गाड़ी। और हम पहुंच चुके हैं थ्रॉटल श्रॉटल, यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर फन करेंगे एंड फिर निकल जाएंगे। और ये हमारे रोशन भाई अभी अपने फेस मास्क को उतारेंगे और अपने असली रूप में आएंगे। हमारी माँ की आँख। हम पहुंच चुके हैं थ्रॉटल श्रॉटल पूरे ग्रुप के साथ हूँ। एंड भाई जो मज़ा आया भगाने में यार, वो टनल के अंदर से अपने आवाज़ें सुनी हो, दैट वाज सीरियसली क्रेजी और बहुत अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पे रोशन का भाई बैठा हुआ है, रोशन के भाई से मिलवाऊंगा, पहले रोशन से मिलवाते हैं। रोशन आया तो ये हमारा रोशन आ चुका है, अब इसके भाई से मिलवाने का टाइम भी आ गया। धीरे धीरे रोशन का भाई आएगा। हमारा रोशन का भाई कैसा है? रोशन के भाई कैसा है ब्रो? वो देख वो भाव नहीं दे रहा, रोशन कह रहा है मैं भाव नहीं दूंगा। एंड यहाँ पे खरगोश भी है और ये ब्लॉगर भाई हर जगह आपको मिल ही जाते हैं ब्लॉगर्स, तो और कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं। अच्छा, ये अब कैमरे पे लगे हुए हैं ब्लॉगर लोग। एंड मिलवाते हैं पूरे ग्रुप से यार वापस से, क्योंकि पहले तो सारे हेलमेट में थे
अब जरक आए हैं बिना हेलमेट के, तो बात वगैरह करी जाए ना, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कैसा लग रहा है पहले जब राइड कैंसिल हो रही थी और अब होगी एकदम से? बस मैं तो भाई पहले भी आने वाला था, अब क्या? बढ़िया है भाई। एंड बड़े लोग है भाई यहाँ पे, राहुल नाम के बड़े लोग। एक और लेट लतीफ है, ध्यान से देखे। बड़े लोग नहीं है भाई ये, मैं जो इसकी क्लसरी है साफ बताऊं तुझे। मेरी कौन सी क्लसरी है? बड़े भाई ये बड़े बंदे हैं, भूसा वाले हैं ये, छोटों के साथ राइड नहीं करते, ये छोटों के साथ राइड नहीं करते बड़े लोग। सुपर बाइक्स वाले ये है, सुपर बाइक्स वाले सर, देखिए ध्यान से देखिए। देख ले, हाँ है तो है, हायाबुसा राइडर। ये लेट लतीफ बंदा जिसके कारण आज हम लेट हुए भाई साहब ने 5 मिनट मेरी वेट नहीं करी, अभी भी ग्रज है। कोई नहीं, सॉल्व हो जाएगा। ये एक भाई, ये भी ब्लॉगर है, अभी ये मास्क निकाल रहा है। अबे बस यार, इतना क्या कोरोना से डरना, देख रहे हो बहुत जरूरी चीज है ये, इतना खौफ कोरोना का। अरे अखरोट की भी ले ले, अखरोट का है छोड़ना यार। ध्यान से देखे इस चेहरे को, पहले इसने मास्क उतार रखा था, वीडियो और होते मास्क पुलकेश भाई हमारे भाई। अबे रोशन तेरा भाई के साथ तो जा तू, भाई नहीं है रोशन की पत्नी है। हाँ बोलो भाई। बढ़िया भाई, रोशन भाग गया, उसका भाई वो साइड पे है, उसको कहते हेलो करते हुए अपने भाई के पास हेलो करने के लिए। चल चल हेलो कर, हेलो हेलो तेरे भाई से हेलो कर। ओ भाई दिशु, दिशु रोशन का भाई, मैं दिशु तो नहीं हूँ, तू का तो दिशु नहीं है, अब दोबारा करेगा हेलो। ओ भाई स्वैग है भाई का। तो भाई लोग चाय आ चुके हैं सबके लिए, ये पुलकेश भाई अनाउंस करते हुए, चाय ले लो चाय ले लो चाय ले लो, चाय 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 चाय। हाँ भाई चाय। हाँ ध्यान से देख, कभी व्लॉगिंग के चक्कर में चाय गई तेरी? नहीं भाई नहीं जाती, इतना आसानी से नहीं जाती। ये देखो ये प्राणी देख रहे हो आप, अरे आगे पराठे भी आगे। अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है यहाँ पे, पराठा एंड चाय। सो गाइस अपने साथ है राइडर आफ्ताब भाई, इसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जाओ। भाई का चैनल नया है बट आएगा जरूरी है, देखो सारे कैमरा ऑन होते ही सारी भीड़ जनता यही आ। सो गाइस इट्स अ रैप, अभी हम जा रहे हैं थ्रॉटल चॉटल के अंदर, क्योंकि हम बाहर बैठे थे एंड फुल ऑन मस्ती हुआ, फुल ऑफ एंजॉयमेंट हुआ एंड काफ़ी अच्छा सीन था। सो अभी हम ये थ्रॉटल चॉटल के अंदर आ गए, ये भी सिटिंग एरिया है बट हम बंदे बहुत ज़्यादा थे इसलिए सिटिंग एरिया हमने बाहर चूज़ करा था। एंड यहाँ पे म्यूज़िक चलता रहता है काफ़ी अच्छा एंड आपको यहाँ बाइक्स भी दिखेंगी, प्रॉपर बाइकर कैफे है यार, तो सारे राइडर संडे को होते ही हैं यहाँ। एंड इट्स कूल प्लेस टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स एंड काफ़ी अच्छा है। एंड ये वापस हम आ चुके हैं अपनी बाइकिंग वाली एरिया में एंड सामने आप देख सकते हो काफ़ी सारी सुपर बाइक्स भी खड़ी हैं अंदर, जो हुनिगन मोटर स्पोर्ट्स है इसका लॉन्च मैंने कवर करा था। एंड वी आर बैक टू अवर बाइक्स, सब पहुंच चुके हैं बाइकों पे अपने एंड हमारे लोचल भाई पागल हो चुके हैं अभी, ये सारे ब्लॉगर्स यहाँ पे घूम रहे हैं। भाई के चैनल का नाम बताओ यार कैमरा में, क्या बेगा बॉन्ड एचएच के लिंक भेज दूंगा नहीं, चलो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भाई के चैनल का। आप एंड अब निकल रहे हैं हम, ये देख रहे हो पट 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 पट, थोड़ा धीरे करो ब्रो, ये जितने पट पट आप देख रहे हो एंड here we go।